हेलो दोस्तों, हाई फाइव एंड वेलकम बैक टू डेली ब्लॉग। और पटवारी का जो एग्ज़ाम है वो बस आने वाला है, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ आ गया है। और 3-4 दिनों के बाद फिर पटवारी का एग्ज़ाम जो है वो चालू हो जाएगा। और तैयारी की बात करें तो कोई तैयारी नहीं हो पाई है अभी तक, और बहुत सारी तैयारियाँ भी कर रही हैं। और ये सिलेबस है, अगर सिलेबस की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें अभी पढ़नी है पूरी, और 3-4 दिन ही सिर्फ बाकी है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। तो वैकेंसी की बात करें तो 2 से 3 साल पहले इसकी वैकेंसी आई थी और अभी सीधे फिर आई है, और सिर्फ 3 पोस्ट है इस डिस्ट्रिक्ट के लिए। लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि जितनी तैयारी हो सके उतनी तैयारी कर सकें। क्या बना रही हैं? पराठा? क्या जी, तू आज शरबते रूह अफजा नहीं बनाओगे? बनाओ। ये हमारा फूड ब्लॉग जो कि तैयार हो चुका है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट हो रहा है और 1 घंटे से ऊपर हो गया, अभी तक एक्सपोर्ट ही हो रहा है। अभी पता नहीं और कितना टाइम लेगा, फिर इसे भी अपलोड कर रहा है। और यहाँ जीतू भाई साहब टीवी देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्पेशल शरबते रूह अफजा बनने के लिए है, उसके लिए दूध वगैरह निकाल रहे हैं। और अभी धूप भी बहुत ज़बरदस्त की हुई है, अभी 2 बजे के आसपास समय हो रहा है, और थोड़ा मार्केट भी जाना था। तो अभी इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है कि अभी तो निकलना पॉसिबल भी नहीं है। और जो लोग भी जाते हैं मार्केट तो शाम को ही जाते हैं, 4-5 बजे के आसपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप रहती है अभी। और यहाँ पे शरबते मोहब्बत तैयार होते हुए, ये है रूह अफजा, और इसके अलावा यहाँ पर दूध है और तरबूज है। तो तरबूज के छोटे छोटे पीस यहाँ पे कट किए जाएंगे और रूह अफजा डाला जाएगा, और काफ़ी सही है गर्मी के हिसाब से। बर्फ़, ठंडी ठंडी बर्फ़, ये भी आ चुकी है, जो इसका मेन रोल है ठंडा करने में। तो ये रूह अफजा, इसे अब रूह अफजा को दूध में मिला रहे हैं, और थोड़ा सा इसमें लगेगा रूह अफजा ताकि और सही कलर आ पाए। कितने डालेगा बर्फ? काजू डलते हुए यहाँ पे, ये भी बहुत जरूरी है। ये बादाम, कच्चा बादाम। वो शरबते मोहब्बत तैयार हो चुका है अब। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। बहुत सही स्वाद है इसका, और गर्मी के हिसाब से बहुत सही ड्रिंक है। तो आप भी अपने घरों में इसे बना सकते हो बड़ी आसानी से। सरस्वती कॉलेज, यहाँ पे आंसर शीट वगैरह मिल रही है, तो एक सब्जेक्ट है मास्टर का, तो उसके लिए आंसर शीट लेने आए हैं। और ये हमारे श्याम सर हैं, साथ में आए हैं। तो अभी आए थे ठेका चाय में चाय पीने के लिए, और हमारे साथ श्याम सर भी हैं। और अभी इनके कोचिंग का भी टाइम होने वाला है थोड़ी देर में, बीएससी वगैरह की कोचिंग ये देते हैं, तो इनसे भी थोड़ा गाइडलाइन लेंगे कुछ कुछ पटवारी एग्ज़ाम के लिए। और ये है ठेका चाय, यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी रहती है। राम सर का कोचिंग सेंटर है यहाँ पे, ये पीएससी वगैरह की तैयारी कराते हैं, तो इनके कोचिंग आए थे कुछ कुछ सिलेबस वगैरह लेने के लिए। ये पूरे यहाँ पर बुक वगैरह, मटेरियल, किताब वगैरह रखी हुई हैं। ये वाइट बोर्ड है, इधर भी कुछ बुक्स वगैरह रखी हुई हैं, इधर कुछ क्वेश्चन पेपर हैं पिछले साल के और जो इस साल एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं उनके। तो अभी आए मोमोज खाने सर के साथ। ये है बॉम्बे मोमो सेंटर, जो कि रेलवे स्टेशन के पास पड़ता है, काफ़ी अच्छा मोमोज मिलता है यहाँ पे। तो फाइनली बैठ चुके हैं पढ़ाई करने के लिए, और बहुत सारा सिलेबस है, सभी को कम्प्लीट करना है। तो जल्दी मिलते हैं आप सभी से पटवारी बनने के बाद, तब तक के लिए अलविदा।